कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कई सवाल उपस्थित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा अलग अलग समूहों को आपस में लड़ाने का काम करा जा रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र की जनता इस कोशिश को सफल ना होने देगी। देखो, अकोला का मैं पूरे नजर रखा था जब घटना हुई, चैटिंग के बाद वहाँ पे जो उद्रेक हुआ है, जिस तरह से अल्लाह को गले देने का कार्यक्रम जिस लड़के ने किया था, उसके बारे में पुलिस स्टेशन में कुछ मुस्लिम लड़के वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुँचे, लेकिन उसी समय में उधर रिपोर्ट दायर हो ही रही थी, तो इधर दूसरे एरिया में दंगा चालू हो गया। एक ऐटो पे या गरीब नवाज लिखा था, उसके उसको चलाने वाला हिंदू लड़का था, उसको मुस्लिम करके मारा गया और वो घटना सबके सामने, लेकिन पुलिस एक घंटा बाद क्यों पहुंची, ये सवाल वहाँ पर है। और हम राज्य के फडणवीस जो गृह मंत्री है उनको सवाल करना चाहते कि ये कहते कि हम दंगा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर तुम्हारी पुलिस ने दंगा करवाया क्यों, एक घंटा लेट पहुंची पुलिस, उसका जवाब क्यों नहीं पूछा गया। और इस तरह का तनाव बना के रखना ये अच्छी बात नहीं। क्यों नहीं सरकार वहाँ पहुँची, क्यों नहीं लोगों को समझौता करवाया, क्यों कर्फ्यू लगाना और शहरों का विकास रुकवाना, ऐसे भी प्रशासक बिठा के रखे हैं शहरों में, महानगर पालिका अकोला में, क्या सरकार क्यों नहीं पहुंची, वहाँ का पालक मंत्री क्यों नहीं पहुंचे, खुद ही पालक मंत्री वो वहाँ के, क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पर, ये सवाल हम उनको पूछना चाहते, क्यों नहीं सब लोगों को मिलाकर वहाँ पर शांति प्रस्थान करने का काम क्यों नहीं किया गया। हमारा सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन मिलकर इस तरह के महाराष्ट्र के शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा के महाराष्ट्र में बौद्ध और हिंदू और मुसलमान हिंदू ऐसे झगड़े लड़ाने का बीजेपी अगर कोशिश करे तो महाराष्ट्र की जनता इनकी कोशिशों को ना सफल करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ये विचारधारा का राज्य है, वह हमेशा यहाँ बंधुत्व का और समता का हमेशा सम्मान किया गया है और महाराष्ट्र की जनता उसी तरह की है। ये सरकार बीजेपी जिस तरह से सरकार में बैठकर इस तरह का खेल खेलती है, कदापि महाराष्ट्र की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी।